द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी, लीडिंग इन रिजल्ट्स ईयर बाय ईयर, ब्रजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676। शुरू करें एक बार और जोरदारी के साथ सिंगल एंट्री। अब हम कुछ क्वेश्चंस कन्वर्जन मेथड के देखते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस, ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं, ये हो सकता है तुम्हें फाइनल अकाउंट में भी हमने किए थे और यहाँ पर भी वही है, तो इधर इंटर रिलेटेड है, हो सकता है एग्जामिनर दे दे, उसकी इच्छा हो तो तुम्हारे मजे लेने की, है ना। चलो तो शुरुआत करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग अकाउंट्स। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, पुरानी बुक होगी तो उसका क्वेश्चन नंबर कुछ और होगा, वही है, सेम है, कोई टेंशन नहीं। चलो तो एफ आर में सेल्स गुड्स एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ सेल। एक बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, जो भी आइटम बेचता है उस पर 20% सेल वैल्यू का 25% प्रॉफिट जोड़ लेता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सेल्स। ऑन 1 अप्रैल 2018 स्टॉक वाज 40,000, परचेस 110,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सेल। देखो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है उसमें तुमको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है। कितना कितना गिवन है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 40,000, है ना, सही है। और परचेस कितनी, 110,000, 110,000, क्लोजिंग 30,000, ठीक है, बराबर। और उसमें देखो तो यहां से तुम्हारा सीओजीएस आ जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा कितना, एक लाख 20,000, है ना, 1,20,000। अब देखो उसने क्या बोला कि जो जीपी है तुम्हारा वो है 25% ऑफ सेल, है ना, और तुम्हें मैंने एक ब्रह्मास्त्र दे के रखा है, जो है उससे डिवाइड जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई, है ना, ये 25। और मैंने तुम्हें क्या बोला कि जिस पर वो परसेंट दे उसको लेट जाओ 100, लेट द सेल बी 100, यानी सॉल्यूशन की जब हम शुरुआत करेंगे तो एक तो हमने सीओजीएस निकाल लिया, दूसरा हम क्या करेंगे, लेट द सेल्स बी 100, ठीक। सेल्स कितनी हो गई 100, तो इसमें से माइनस क्या करोगे, जीपी कितना 25, तो तुमको जो मिलेगा वो क्या होगा, सीओजीएस कितना होगा 75। यही कि सीखा था ना अपन ने वहां पे, सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तुम्हारे पास है, ठीक है। तो देखो ये 1,20,000 किसके बराबर है, 75 के, तो बस निकाल लो, सेल्स निकाल लो, कैसे निकालोगे, 1,20,000 डिवाइड किससे करोगे, 75 से, और मल्टीप्लाई किसका करोगे, 100 का, तो क्या जाएगा तुम्हारा सेल्स, कैसे 25 से 75, 25 चौक 100, इससे काट दिया 40,000, तो ये हो गया 1,60,000, तुम्हारी सेल कितनी आ गई 160। अब इसका यदि तुमको जीपी निकालना हो तो 25% से कितना होगा 40,000, तो देख लो क्रॉस चेक हो गया, सीओजीएस कितना होगा 120, क्रॉस चेक हो गया ना, ठीक है। ऐसा ऐसा कोई साथी हो सा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्म सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फर्म जो क्या करती है, गुड्स को सेल करती है कॉस्ट में 25% प्लस करके, सेल्स टू क्रेडिट कस्टमर वो 3/4 ऑफ टोटल सेल, जो भी उसकी टोटल सेल है उसका 3/4 वो क्या करती है, क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल इन्होंने देके कितना रखा है, 1,80,000।
His opening and closing stock were 20,000 and 15,000. Find out the value of purchase. अच्छा इसको कर रहे हो, नोट कर रहे हो, कर लो. सेल कैसे होती है? कॉस्ट प्लस 25%. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक है 15,000, क्रेडिट सेल जो कि क्या है 3/4 ऑफ टोटल सेल, ये गिवन है तुम्हें 1,80,000. तो कैश सेल निकाल लोगे और वो कितनी होगी 1/4, है ना? ठीक है, 1/4 मतलब 25%. ठीक है, और 3/4 मतलब 75%, है ना? तो टोटल सेल कैसे निकाल लोगे? सॉल्यूशन, टोटल सेल्स कैसे निकलेगी? जो है उससे डिवाइड. तो 1,80,000 क्रेडिट सेल कितनी है? 75 के बराबर. टोटल सेल कितनी होगी? 100. ये निकल गई कितनी? 3 और 4 यहां से दिया तो 6,60,000, 2,24,000. टोटल सेल तुम्हारी कितनी आ गई? 2,24, है ना? बराबर है क्या? टोटल सेल कितनी है? 224. बराबर है. टोटल सेल 2,40,000. अब क्या बोल रहे हो? जीपी कितना है? कॉस्ट प्लस 25%. सेल कितनी है? कॉस्ट प्लस 25%. यानी ये जो 2,40 है किसके बराबर है? 100 प्लस 25, 125 के बराबर, है ना? 100 प्लस 25 के बराबर हो गया ना? तो यहां निकाल लो COGS. COGS इज इक्वल टू सेल कितनी? 2,40. ये किसके बराबर है? 125 के. अपने को क्या चाहिए? कॉस्ट यानी 100. तो मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो आंसर हो जाएगा 192. नहीं कितना है? 1,92,000 की क्या गई तुम्हारी? COGS. COGS कितना गया? 192. ठीक है, आगे बढ़े हैं अपन. अब आगे क्या बोल रहा है वो? अब आगे इस्तेमाल इधर करेंगे. हाँ, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. देखो, अब तुम्हारे पास COGS है, ठीक है, इज इक्वल टू होता ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक, ये 192 है, ये तुम्हारा 20,000 है, प्लस परचेज माइनस 15,000. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 5,000 बचा, है ना? 5,000 इधर आएगा तो माइनस तो हो जाएगा, यानी 192 माइनस 5,000 इज इक्वल टू परचेस. और उनने बोला परचेस निकालो, तो परचेस कितनी आ गई? परचेस इज इक्वल टू 187. अब ये आंसर है, मैच करो आ जाएगा. सही है, बराबर. तो ये ध्यान रखना, वही है जो हमने फाइनल अकाउंट के शुरुआत में सीखा था, सब कुछ वैसा का वैसे ही, सिंगल एंट्री में भी. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए, और बढ़ते हैं आगे की तरफ. आगे दिया है कैलकुलेट स्टॉक इन द बिगनिंग. कैलकुलेट स्टॉक इन द बिगनिंग, सेल्स है, परचेज है, स्टॉक एट द एंड है, लॉस ऑन कॉस्ट है. लॉस ऑन कॉस्ट दिया है 1/6, है ना? 1/6 को यदि तुम्हें परसेंट में बदलना है तो तुम क्या करोगे? 1/6 इंटू कर दोगे 100 का, तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. ये आएगा 16.67%. ठीक है, तो लॉस कितना होता है कॉस्ट पर? 1/6, है ना? यानी जो तुम्हारी सेल है,
सेल का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस लॉस, ठीक है। तो ये कहना है इनका कि जो भी हमारी क्या है कॉस्ट है, अनकॉस्ट, उसका एक बटा छह क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। आगे बढ़े, सेल इज इक्वल टू ये होता है क्या कि माइनस होगा, माइनस होता है कॉस्ट माइनस लॉस, है ना, और कॉस्ट मतलब सीओजीएस, ठीक है। तो चले आगे, ओपनिंग स्टॉक निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो तुम्हारी सेल्स गिवेन है कितनी, 80,000, 80,000, तुमको परचेज गिवेन है 60,000, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 8,000, और लॉस कितना दिया है 16 ऑन कॉस्ट, कैसे करेंगे, तो देखो लेट से कॉस्ट कितनी मान लेंगे अपन, 100, है ना, बराबर है, या तो 100 मान लो या 19, वो एक बटा 6 लिख के रखा है तो इसको 6 मान लो, क्योंकि 6 में से एक हिस्सा लॉस का है, है ना, तो माइनस लॉस कितना है, एक, तो जो तुम्हारी सेल है वो किसके बराबर आ गई, 5 के, है ना, बराबर है ना, तो कर दो कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट यानी कि सीओ जीएस, कैसे निकालोगे, ये जो 80,000 है किसके बराबर है, 5 के, 80,000 किसके इक्वल है, 5 के इंटू मेरे को कॉस्ट यानी 6, है ना, बराबर, बस कर दो, कैसा आएगा, 16,000 इंटू 6 कितना होगा, 96,000, है ना, 96 होगा ना, बताऊं क्या, कोई दिक्कत हो रही स्पीकर से, आराम से रिलैक्स, 80,000 डिवाइडेड बाय 5, 16, 16×5=80 इंटू 6, 96, है ना, धन्नू की आंखों में चांद का सुरमा, बराबर है। अब देखो सीओजीएस आ गया हमारे पास, अब हमको क्या निकालना है, तो कर दो सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रख दो वैल्यू, 96, है ना, ओपनिंग स्टॉक मालूम नहीं मेरे को, प्लस परचेस 60,000, है ना, तो छन्नू की आंखों में चांद का सुरमा, इसमें से गए तो कितना बचा, 52 बचा, और वो 52 इक्वल टू के इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का, प्लस का नहीं, 52 माइनस हो गया, ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना बचा, 44,000, ठीक है, यही आंसर है, चेक कर लो, ठीक है, घबराना नहीं है बेटा, बस यहां दिमाग लगाना, उनने 1/6 लॉस बोला ना, तो तुम्हारी कॉस्ट कितनी होगी, 6, टोटल 100, है ना, उसमें से लॉस 1 माइनस तो बचा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, हवन करेंगे, चलें आगे, देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, परचेज है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 1/3, तो देखो बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है, 20,
फिर क्या है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल। ये कैश सेल कितनी? 60,000 प्लस क्रेडिट 40, तो ये 1,00,000 की क्या गई अपनी? टोटल सेल। ठीक है, फिर है परचेस गिवन है, परचेस कितनी है? 70,000। फिर प्रॉफिट 1/3 दिया है ऑन कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट जितनी भी है उस, तो कॉस्ट कितनी है? 3। कॉस्ट कितनी है? 3। 3 में से एक हिस्सा किसका है? प्रॉफिट। ऐसा मानोगे क्या? अभी यहां पर फार्मूला सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा, है ना? तो देखो, यानी जो सेल है वो बड़ी है, है ना? तो देखो कॉस्ट कितनी है? 3 प्लस प्रॉफिट का कितना? 1। तो सेल किसके बराबर हो गई? 4 के। 4 के बराबर हो गई सेल। बस कर दो, अब कुछ नहीं है। तो सेल तुम्हारे पास है 1,00,000, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू तुमको क्या चाहिए? COGS चाहिए ना, COGS कॉस्ट। तो कितना आएगा? 75,000। ठीक है, 75 आ गया COGS। बस फार्मूले में रख दो, अब तो कुछ बचा ही नहीं। क्या फार्मूला है? COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। निकालना क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो ठीक है, इसको इधर लेके आओ और उसको उधर लेके जाओ। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 20,000 प्लस परचेस कितनी है? 70 माइनस 75,000 का क्या गया? क्लोज COGS। भाई ये COGS इधर चले गया और ये इधर आ गया, तो आंसर क्या आया? 15,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना गया? सही है अपना काम। ठीक है, प्लस था तो यहां ये 1 प्लस कर दिया, माइनस होता लॉस होता तो माइनस कर देते। ठीक है, अनसॉल्व क्वेश्चन कर रहा हूं, है ना, आता है मेरे को, बराबर है, बनता है ना अपने से। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करें या कर लोगे अब? नहीं यार, एक क्वेश्चन और करूंगा मैं, मेरी मेरी बहुत इच्छा है यार। इसके बाद अपने को फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट के 2 क्वेश्चन करने हैं। जल्दी क्या कहीं जाना है? किसी को टाइम दिया वो मिलने का, फिर तो छोड़ दूंगा, है ना? ठीक है, छुट्टी खुश? हाँ ठीक है ना, बन जाएंगे क्वेश्चन। अब कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा लगे तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देंगे। चलो धन्यवाद।